आंखों में मंजिल थी, गिरे और संभलते रहे। आंधियों में क्या दम था, चिराग हवा में भी जलते रहे। ईश्वर से कुछ मांगने पर न मिले तो निराश मत होना, क्योंकि ईश्वर वह नहीं देता जो आपको अच्छा लगे, बल्कि वह देता है जो आपके लिए अच्छा होता है। कुछ ऐसा ही सोचना है मोटिवेशन गुरु की आज की इस नायिका का, जिसने अपने जीवन में ईश्वर के हर फैसले का स्वागत किया और उन परिस्थितियों का भी स्वागत किया जिसमें कई लोग अपनी हिम्मत खो देते हैं। दोस्तों, उस नायिका का नाम है सुप्रीत कौर घुम्मन। संगरूर पंजाब के झुंधान गाँव में जन्मी सुप्रीत कौर को बचपन से ही नाचने का शौक था, पर पिता के गुजर जाने के बाद दोनों भाई बहन और परिवार की कई जिम्मेदारियां उन पर और उनकी मां पर आन पड़ी। इसीलिए अपने शौक को भुलाकर अपनी पढ़ाई पर जोर देते हुए सुप्रीत कौर आगे बढ़ रही थी। लेकिन अक्टूबर 2009 में सुप्रीत के जीवन में आए तूफान में उनकी जिंदगी को बदल कर रख दिया। स्कूटी से आते हुए सुप्रीत का एक्सीडेंट हो गया और उनके घुटने की हड्डी टूट गई। स्थानीय अस्पताल में हुई लापरवाही के कारण सुप्रीत का इलाज भी सही ढंग से नहीं हो पाया। धीरे धीरे इन्फेक्शन पूरे पैर में फैलता रहा। आखिरकार एक साल तक भीषण दर्द सहने के बाद सुप्रीत ने अपनी इस लाइलाज टांग को अपने से दूर करने का मन बना लिया और 16 दिसंबर 2010 को ऑपरेशन करवाकर अपने शरीर से उस पैर को जुदा कर दिया जिस पर कभी सुप्रीत अपने डांसर बनने का ख्वाब देखा करती थी। शाम सूरज को ढलना सिखाती है, शमा परवाने को जलना सिखाती है। आगे बढ़ने में आती हैं तकलीफें कई, लेकिन ये तकलीफें ही तो इंसान को आगे बढ़ना सिखाती हैं। इलाज में आए 7 लाख रुपए के खर्च को चुकाना और अपने जीवन में अपाहिज होने के गम को दूर करना अब सुप्रीत और सुप्रीत की माँ का लक्ष्य बन गया था। अस्पताल से आने के बाद बेड पर ही इंडियाज गॉट टैलेंट सीजन 4 के शो में विनोद ठाकुर को देखकर सुप्रीत बहुत प्रभावित हुई और एक बार फिर उनके मन में डांसर बनने के लिए नई सोच जन्म लेने लगी। माँ के हौसलों ने और सुप्रीत की लगन से उसे एक स्थानीय डांस इंस्टीट्यूट में जगह मिल गई और अथक परिश्रम के बाद आखिरकार सुप्रीत उस मंच पर पहुंच ही गई जिसका उसे बरसों से इंतजार था। नमस्ते। नमस्ते मैम, मैं डांस करने वाली हूँ। आप डांस करने वाले हो? इफ यू डोंट माइंड माय आस्किंग, एक्सीडेंट हुआ था क्या? हाँ जी मैम, एक्सीडेंट। कौन सा डांस कर रही हैं आप? मैम बॉलीवुड स्टाइल। बॉलीवुड स्टाइल, हाँ जी। तो चलिए दिखाइए, फिर बात करेंगे जी। हाउ इज शी गोइंग टू डांस? हाउ इज शी गोइंग टू डांस? हाउ अनफेयर लाइफ इज यार। मंच पर इंसानी जज्बे के इस हैरतअंगेज कारनामे को देखकर पूरे भारत और विश्व में लोग बेहद प्रभावित हुए और 1 लाख डांसर के खिताब के साथ शुरू हुआ सुप्रीत का एक ऐसा सफर जो एक नारी का बेमिसाल आयाम है। पर अभी शायद सुप्रीत को और भी तूफानों का सामना करना था। यश मक्कड़ नाम के इस शख्स ने न सिर्फ सुप्रीत की भावनाओं से खेला बल्कि सुप्रीत के जीवन में एक बार फिर दुखों के बादलों को बढ़ा दिया जिनमें हुई दोस्ती कब प्यार में बदल गई। ये शायद सुप्रीत नहीं समझ पाई और साथ ही ये भी नहीं समझ पाई कि उस इंसान की मंशा प्यार नहीं बल्कि सुप्रीत की प्रसिद्धि और उसकी कमाई को हासिल करने की है। कहते हैं जिंदगी में मुश्किलें सबके सामने आती हैं, कोई बिखर जाते हैं तो कोई निखर जाते हैं। इन बादलों को सुप्रीत ने न सिर्फ दूर किया बल्कि उससे उभर कर एक बार फिर अपनी राह पर चल दी। दोस्तों, मोटिवेशन गुरु के इस अध्याय में इतना ही। फिर मिलेंगे जिंदगी की और दिग्गजों की गाथा लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।